अस्सलाम वालेकुम, मेरी नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इशफाक परवेज़ कियानी के बारे में। इशफाक परवेज़ कियानी 20 अप्रैल 1952 को सुबह पंजाब के एक गांव मिनकोट में पैदा हुए थे। इशफाक के वालिद पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार थे। JCO के बेटे के तौर पर इनके आजजाना पस मंज़र ने इन्हें फ़ौज के जूनियर रैंक तक पहुंचा दिया। एक मुकामी हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद इशफाक ने कामयाबी के साथ मिलिट्री कॉलेज जेहलम सराय आलमगीर में दाखिला लिया और काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुंतकली की, जहां उन्होंने 45वें लॉन्ग कोर्स की एक क्लास में 1971 में बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। कियानी को 29 अगस्त 1971 को मशहूर बलोच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दे दिया गया था। उन्होंने 1971 की बांग्लादेश के साथ जंग के वक्त फौज में सरगर्मी से हिस्सा लिया और शमूलियत इख्तियार की। जंग के बाद इशफाक ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अपनी पढ़ाई में मजीद मशगूल हो गए। अपनी ग्रेजुएशन के बाद कियानी डेपोटेशन पर अमेरिका चले गए और फोर्ट लेवनवर्थ के यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज और फोर्ट बेनिंग में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इन्फेंट्री स्कूल में तालीम हासिल की। अमेरिका में अस्करी अदारों से ग्रेजुएशन करने के बाद इशफाक पाकिस्तान वापस आए और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से जंगी अलूम में मास्टर ऑफ साइंस हासिल किया। अपने तवील फौजी करियर के दौरान इशफाक क्वेटा में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स की फैकल्टी में भी रहे हैं। इशफाक ने क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में मुख्तसर तौर पर जंगी कोर्सेज पढ़ाए और बाद में स्ट्रेटजिक स्टडीज़ की प्रोफेसरी कबूल की और इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैकल्टी में शमूलियत इख्तियार की। लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से जनरल कियानी ने इन्फेंट्री बटालियन की कमांड की। एक ब्रिगेडियर के तौर पर उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। एक ब्रिगेडियर के तौर पर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। 2-star रैंक पर तरक्की के बाद मेजर जनरल कियानी ने मरी में तैनात 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। 2001 में ये DGMO के तौर पर इनके दौर में था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद फौजी तातुल पैदा हुआ। इत्तला'आत के मुताबिक कियानी इस अरसे के दौरान रात में सिर्फ चंद घंटे सोते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तनदही से सरहद पर मुत्तहिद मुसल्ला अफवाज की नकल व हरकत और तैयारियों की निगरानी की थी। सितंबर 2003 में कियानी की 3-star असाइनमेंट पर तरक्की की सदर मुशरफ ने मंजूरी दी और बाद अज़ां इन्हें 3-star रैंक लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। इसी साल इन्हें रावलपिंडी में एक्स कोर का फील्ड ऑपरेशनल कमांड मुकरर किया गया। तरक्की ने मुशरफ के कियानी पर नुमाया एतमाद की निशानदही की, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्स कोर कमांड की मदद के बगैर फौजी बगावत नहीं कर सकता। कियानी ने अक्टूबर 2004 तक एक्स कोर की क्यादत की, जब इनका तबादला ISI में इनके डायरेक्टर जनरल के तौर पर किया गया। एक्स कोर में कियानी के दौर में उन्होंने दिसंबर 2003 में मुशरफ के खिलाफ ये के बाद दीगर 2 खुदकश हमलों की कामयाब तहकीकात की क्यादत की। ये ख्याल किया जाता है कि कियानी ने तहकीकात के बाद मुशरफ का एतमाद जीत लिया। इनके इस कारनामे पर इन्हें हलाले इम्तियाज सिविलियन मेडल से नवाजा गया। अक्टूबर 2004 में लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक कियानी को जनरल एहसानुल हक की जगह डायरेक्टरेट ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया, जिन्हें तरक्की देकर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जनरल कियानी ने एक तारीख
दौर में ISI की कार्रवाइयों और इसके कारिंदों को हदायत की। शुमाल मगरबी पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फैली हुई शोरशें, जोहरी फैलाव के केस का इंकशाफ और पूरे पाकिस्तान में खुदकश हमलों की लहरें शुमाल मगरबी कबायली पट्टी से उठी। ISI में अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुशरफ के साथ मुमकिन इकतदार की तकसीम के माहदे के लिए बातचीत की भी क्यादत की। अक्टूबर 2007 में 3 साल बाद इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज ने ISI में ली। कयानी मार्च 2007 की इस मुलाकात में भी मौजूद थे, जो मुशरफ और चीफ जस्टिस इफ्तखार मोहम्मद चौधरी के दरमियान हुई थी। इस मुलाकात के बयानात बताते हैं कि परवेज मुशरफ के साथियों में कयानी वाहिद थे जिन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अक्टूबर 2007 में 4-स्टार रैंक पर तकर्री के लिए कयानी के प्रमोशन पेपर्स को सदर मुशरफ ने मंजूर कर लिया और इन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर मुकर्रर किया। तरक्की के वक्त कयानी ने बिल आखिर फौज के सबसे सीनियर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को पीछे छोड़ दिया, खालिद कदवाई, जो 1 साल के लिए तौसी पर थे। 28 नवंबर 2007 को कयानी मुशरफ की रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे पर फाइज हुए। जनरल कयानी को दूसरे 4-स्टार आर्मी जनरल के तौर पर जाना जाता है, जो ISI के डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। ISI के डायरेक्टर की पहली तकर्री 1999 में हुई थी, जब जनरल जियाउद्दीन भट्ट पहले आर्मी जनरल थे जो ISI के डायरेक्टर के तौर पर अपने मुख्तसर दौर के बाद आर्मी चीफ के तौर पर तैनात हुए थे। जनरल कयानी के दौर में ही पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का रुख मोड़ दिया। जनरल कयानी को हिंदुस्तानी कोल्ड स्टार्ट नज़रिए का जवाब देने का सहरा भी दिया जाता है, जिसे फौज ने अजमे 9 मशकों के साथ दुरुस्त किया। जनवरी 2008 में जनरल कयानी ने एक हदायत जारी की, जिसमें फौजी अफसरान को हुक्म दिया गया कि वो सियासतदानों से रابطہ ना रखें। 13 फरवरी 2008 को ये मज़ीद आम किया गया कि जनरल कयानी ने पाकिस्तान के तमाम सरकारी सिविल महकमों से फौजी अफसरान को निकालने का हुक्म दिया। ये एक ऐसा अमल था जिसने अपने पेशवर सदर मुशर्रफ की पॉलिसियों को पलट दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इतला दी है कि फौजी अफसरान को 23 वसी सिविल महकमों से वापस ले लिया जाएगा, जिनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कौमी एहतसाब, वजारत तालीम और पानी और बिजली की तरक्की के अदारे शामिल हैं। जब वो COAS बने तो कई आला सती अमेरिकी हकाम ने इनके बारे में अपना जहन बनाने के लिए ये के बाद दीगर जनरल कयानी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनमें से ज़्यादातर को यकीन था कि कयानी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कयानी का बतौर आर्मी चीफ पहला इकदाम वफाक के ज़र इंतज़ाम कबायली इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा करना था। उन्होंने TTP और इसके साथियों के खिलाफ कई कामयाब कार्रवाइयाँ की। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के अलावा तमाम बड़े ऑपरेशंस जनरल कयानी के कमान में किए गए। वो अक्सर फ्रंट लाइनों पर जाया करते थे और हमेशा आसानी से पहुंच जाते थे। पाकिस्तान के मशहूर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने जनरल कयानी के लिए तर्ज़ल अल्फाज कहे हैं। जनरल कयानी ने फौज के लिए बहुत से दूसरे सरबराहों के साथ मिलकर काम किया। अफगान जंग के बारे में कयानी ने कहा था, पाकिस्तान अवाम का मानना है कि अमेरिकी हिकमत अमली का असल मकसद पाकिस्तान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। जनवरी 2011 में और इसके बाद जनरल कयानी के रेमंड डेविस की कहानी को संभालने पर तनकीद की गई। पाकिस्तानी रियासत की हरकियात और इस ख़ास केस की नौयत को जानते हुए डेविस के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के
इल्म और तावुन के बगैर पाकिस्तान से रिहाई और मुल्क बदर करना नामुमकिन था। डेविस की रिहाई के अगले दिन फाटा के शुमाली वजीरिस्तान में दत्ताखेल फजाई हमले में अमेरिकी प्रेडेक्टर तैयारे के ड्रोन हमले में 40 से ज़ायद अफराद मारे गए। ऐसा लगता है कि हदफ एक कंपाउंड था जिसे तहरीक तालिबान के रहनुमा हाफिज गुल बहादुर चलाते थे। मरने वालों में मुकामी कबाइली रहनुमा भी शामिल थे। इस हड़ताल का मकसद मुकामी जंगी कोशिशों को आगे बढ़ाना था बजाय इसके कि ड्रोन हमलों की गैर मकबूलियत में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात में इजाफा किया। कियानी ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ड्रोन हमले की मुज़ाहमत की और इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। 2011 में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक तवील लेक्चर देने के बाद एक स्टाफ ऑफिसर मुबैना तौर पर उठा और उसने अमेरिका के साथ तावुन की एक अपनी पॉलिसी को चैलेंज किया। अफसर ने पूछा, अगर वो हम पर भरोसा नहीं करते तो हम उन पर कैसे एतमाद करेंगे। एक प्रोफेसर के मुताबिक जिन्हें सेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी, जनरल कियानी ने बुनियादी तौर पर जवाब दिया, हम नहीं कर सकते। दत्ताखेल हमले के बारे में कियानी के तबसरों को पाकिस्तानी हकाम के वाशिंगटन के साथ सरकारी और निजी मुआसलात के वसी तनाजुर में पेश किया गया, जिसमें अप्रैल 2011 में ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा का CIA डायरेक्टर का दौरा भी शामिल है। ISI CIA मीटिंग के बाद CIA के तर्जुमान जॉर्ज लिटल ने कहा कि इंटेलिजेंस ताल्लुकात ठोस बुनियादों पर बरकरार हैं। 2013 में जनरल कियानी आसिफ संदियाला और एयर चीफ मार्शल ताहिर रफीक के साथ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चेयरमैनशिप के दौर में थे। अगरचा इनको तकर्री के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 6 अक्टूबर 2013 को जनरल कियानी ने ऐलान किया कि वो रिटायर हो जाएंगे। बिल आखिर इनके रिटायरमेंट की तस्दीक इस वक्त हुई जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने 27 नवंबर 2013 को इस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल रहील शरीफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल राशिद महमूद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के तौर पर मंजूरी दी। कियानी अब लाहौर में मुकीम हैं। और ये थे जनरल इशफाक परवेज की जिंदगी के बारे में कुछ हकायक। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।